हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। मेरे चैनल में स्वागत है सभी को। जय सियाराम। तो आज मेरी बच्ची की फ्रेंड आई हुई है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। आज मेरा रामन ब्लॉग है। ये रामन के दो पैकेट हैं दोस्तों, ये बना रहे हैं क्योंकि उसको बुलाया है ना फ्रेंड को, तो उसके लिए कुछ तो बनाया जाएगा ना। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। ब्लॉग में बने रहना, बहुत अच्छा है। इसमें बहुत एंजॉय के साथ बनाया है और कुछ मज़ा भी इसमें आएंगे कैसे खाते हैं हम लोग। तो ये देखिए, हमने नहीं, ये हमारी बेटी बना रही है, हम ब्लॉग बना रहे हैं। ये देखिए, वो उसने दो रामेन के पैकेट डाल दिए हैं बाउल में और पानी भी डाल दिया है। कम से कम 1 लीटर पानी डाल दिया है दो रामेन में। देखिए गाइस, बन रहे हैं। अब गैस पे चढ़ा दिए, गैस की फ्लेम को पूरा फुल पे खोल दिया है गाइस। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे बनती है रामेन। तो ये देखिए भाई गाइस, इनकी आंखें, इनकी बनाने का तरीका देखिए भाई, कौन बनाता है ऐसे मस्ती के साथ। वहीं खाते भी जाएंगे, बनाते भी जाएंगे भाई। ये देखिए, मसाले को टेस्ट किया जा रहा है, क्या कितना तीखा है। ये देखो दोस्तों, ऐसे कौन बनाता है भाई, किसके घर में बच्चे ऐसा करते हैं। ये मुझसे कह रही, थोड़ा टेस्ट करके बताइए माता जी। तो मुझे भी खिला दिया, मुझे भी बहुत तीखा लगा गाइस। रामेन का मसाला जो होता है बहुत मिर्ची वाला होता है। तो देखिए दोस्तों, मुझे भी खिला दिया। ओ माय गॉड, कितना तीखा है। ऐसे ऐसे भाई कौन बनाता है ऐसे बैठ के। ये देखिए साहब, बिल्कुल मिठिया की तरह लग रहे हैं, जैसे हलवा पूड़ी बनाने वाला मिठिया नहीं बैठा रहता, वही बैठा हो। ये देखिए मेरी बिटिया रानी, आज आप सभी को रामेन बना रही है, खाइए दोस्तों। गाइस, तो कैसा लगता है मेरा ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखो दोस्तों, बड़ी मस्ती के साथ बन रहा है क्योंकि मेरी तबीयत 2 दिन से थोड़ा ठीक नहीं थी, जुखाम वगैरह हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा तीखा खाने का मन किया। तो बच्ची को पता चला कि रामेन के पैकेट रखे हुए हैं, तो उसने तुरंत निकाले और बोली, मम्मा मैं बनाती हूँ। मैंने कहा बनाओ। वो किसी और तरीके से बना रही थी, लेकिन मैंने कहा मुझे थोड़ा सूफी खानी है, तो सूफी बनाना। बोली बहुत तीखे हो जाएंगे। मैंने कहा मुझे तीखा ही खाना है बेटा, तो उसने तीखे ही रामेन बनाए। ये देखो दोस्तों, फाइनली तो रामेन थोड़ा सा पक गए हैं, बस थोड़ा सा ही रह गए हैं, वहीं खाती जाएगी। ये स्टिक होती हैं, चॉपस्टिक लाई थी, तो उसी से चलाती है, उसी से बनाती है, उसी से खाती है। तो आगे लेकर चलते हैं दोस्तों। गाइज, हम दिखाएंगे रामेन। थोड़ी कुरकुरी टाइप की होती है मैगी, सॉफ्ट होती है, रामेन कड़क होती है दोस्तों। तो ये देखो बना रही है, अभी पक रहे हैं दोस्तों, और पकने देंगे। इसके बाद इसमें जो मसाले निकलते हैं दो पैकेट, वही डालने होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोग प्याज टमाटर डालना चाहो तो डाल सकते हो, बट नहीं डालना हो तो नहीं डाल सकते हो। ये देखो तो किस तरीके से बन रहा है भाई, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है अभी तो मुझे। आप भी आइए, आप भी खाइए, जितना मज़ा खुशबू लेने में है उतना खाने में कहाँ है गाइस। तो ये देखो बेटा भी आ चुका है। ये देखो बन चुकी है, मसाला डल चुके हैं। मुझे तो मसाले थोड़े कम लग रहे हैं क्योंकि इसने मसाला बचा के रखा है गाइस। तो मैं तो अपनी मैगी में दोबारा डालूंगी, इन लोगों को लेने दो क्योंकि बच्चों को बहुत तीखा लगता है, तो बच्चे पूरा मसाला नहीं ऐड किए, उसका मसाला बचा के रखे हैं, बट मैं डालूंगी। मैंने थोड़ा बोला बच्ची से, इसमें केचप डाल दे, बट उसे मीठी मीठी लगती है,
तो उसने नहीं डाला। जिसको पसंद हो वो केचप ऐड कर सकता है इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, अपने अपने बाउल भरे जा रहे हैं। मेरे लिए शायद थोड़ा बहुत बच जाए, कोशिश तो चल रही है, बच ही जाएगा, क्यों नहीं बचेगा यार। लेकिन बनाने वाला तो ज़्यादा खाएगा ही, ये तो पता ही है। ये देखो तो इधर उधर अब मेरे लिए थोड़ा सा बच गया। ये देखो ये मेरे लिए है, मैंने छील लिया। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, इसके बाद खाऊंगी। ये देखो कैसी बनी, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो इन्होंने अपनी बाउल ले लिया है, अब ये भी खा रही हैं। तो ये देखिए इनकी शक्ल पे कैसा लग रहा है, देखिए रामेन बनने की खुशी देखिए, कितना एक्साइटमेंट है। वाह देख लो, एक खाने लगे बिल्कुल ऐसे। वाह मुझे तो चॉपस्टिक पकड़नी भी नहीं आती, इस बच्चे को तो कोरिया में होना चाहिए थी। ये तो सब कुछ बना लेती है और अच्छे से पकड़ लेती है। देखो दोस्तों तो ये मुझे दी है गाइस इन्होंने, मैंने इसमें थोड़ा केचप मिला ली, थोड़ा मसाला भी मिला लिया, फिर अब हम इसको खाएंगे। ये देखो ये रहे इसके मसाले के पैकेट, मैंने ज़्यादा मिला लिया तो मेरी रेड हो गई और थोड़ा अच्छा भी लग रहा, कलर और अच्छा दिख रहा है दोस्तों। इधर देखिए तो मैं आई अपने रूम में, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरे पैर में नेल पेंट लगा दे, तो उसने सारी नेल पेंट बेडशीट पर गिरा दी है। अब मुझे पता नहीं था तो मैं चुपके से उसकी वीडियो बना रही थी, क्योंकि वो डर डर के जल्दी जल्दी शीशी में भर रहा था ताकि मम्मा ना देख ले, नहीं तो डांट पिटेगी। और बस फिर बाद में मुझे बताया मम्मा गलती से हो गया। और ये देखिए भाई साहब ने कितनी सुपर लगाई है, वाह तारीफ करना चाहिए भाई साहब की, तो अवार्ड देना चाहिए भाई साहब को, वाह नेल पेंट लगाने में माहिर हैं बहुत अच्छे। तो ये देखिए दोस्तों रामेन कैसी लगी और मेरा ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। इधर बाहर आए तो गाय माता जी आ गई हैं, ये देखो इन्हें इन्हें थोड़ा भी रोक दो ना तो ये तुरंत रुक जाती हैं, इतनी समझदार हैं हमारे मोहल्ले की गाय माताएं। जय हो गौ माता की। कैसा लगा दोस्तों ब्लॉग, इस बच्ची को बगल में एक बच्ची बैठी थी तो मैं उसे समझा रही थी कि कभी हिम्मत मत हारना, खूब पढ़ना बेटा। तो ये देखो कैसा लगा दोस्तों ब्लॉग, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राम। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।